गुरु चाहिए जो बता दें कि ना तू पैदा होता है और ना तू मरता है, तू जन्मने मरने से परे है, तू शाश्वत है, सनातन है, क्योंकि तू मात्र शरीर नहीं, तू आत्मा है। आत्मानंद, सच्चिदानंद, परमानंद, सहजानंद, आनंदानंद। इसीलिए ये हलचल क्यों मची है जी, अंदर हलचल क्यों मची है? बोले वो रूठ गया, आजकल मुंह फुलाए घूम रहा है तो हार्ट बीटिंग बढ़ गई है। वो मेरा प्रिय रूठ गया, मन धक पक कर रहा है। अभी बुद्धि बड़ी व्याकुल है, कोई निर्णय नहीं कर पा रही, द्वंद्वों से ग्रसित बुद्धि है। ये तन को क्या हो गया? बोले ताप चढ़ गया, बहुत जोर से बुखार चढ़ा है। तन को ताप चढ़ा है, मन को ताप चढ़ा है, बुद्धि को ताप चढ़ा है, सब ढोल जाते हैं। कल देव ऋषि नादर ढोल गए थे ना, विश्व मोहिनी का दर्शन करके अंदर हलचल मच गई थी ना, हाँ, देवताओं का बुलडोजर उन पे चल गया था ना। बोलो ना, किसी की सुंदर चीज, किसी का बड़ा भवन, किसी की बड़ी गाड़ी देख के अंदर आफत आ जाती है ना। हाय हाय हमारे भी होती तो मजा आ जाता। हाय हाय, आओ तो आओ, मेरा घर देखो, मेरा घर देखो, कितना शानदार मेरा घर। और रोज घर दिखाता है पड़ोसियों को, पकड़ पकड़ पकड़। और एक बार बड़ा उदास, क्यों उदास? बोले मेरे बगल में ही इतनी बड़ी कोठी खड़ी हो गई मेरे घर के, और जैसे वो बड़ा मकान बना ना, तब से मुझे मेरे मकान की खुशी। अब वो बड़ा खड़ा हो गया है, अब मैं अपने को न्यून, अपने को बेचारा, अपने को निरीह, अपने को छोटा अनुभव कर रहा हूं। ये कौन कर रहा है जी तमाशा? ये डोल कौन रहा है? आपका मन। आपका मन तिल को ताड़ बनाता है, इसका कान पकड़ो ताकि ताड़ तिल बन जाए। इसके मुंह पे तमाचा मारना सीखो मन, इसका कान मरोड़ना सीखो। और फिर ये भी समझो कि तन व्याकुल है, मन व्याकुल है, बुद्धि विचलित है, और मैं ये कुछ भी नहीं, मैं तो इन सबको जानने वाला साक्षी परमानंद सच्चिदानंद हूँ, जो अपने चित्त की चपलता को, मन की व्याकुलता को, बुद्धि के द्वंद्वों को और शरीर की अवस्थाओं के दुख पीड़ा सबको जानने वाला हूँ।